सर बिल्कुल ठीक समझा आपने, रेसिंग की बात है। ये जो कहानी है, एक लड़का जो शिवा है, ये सिद्धार्थ सागर, उनके इर्द गिर्द घूमती है कहानी, जो कि एक स्लम का लड़का है बेचारा और अंडर प्रिविलेज्ड है। वो उसमें एक हुनर है, एक टैलेंट है, वो बहुत अच्छा भाग सकता है, बहुत तेज़ भाग सकता है। उसकी मुलाकात एक फैमिली से होती है जिसमें मैं हूँ, मेरी वाइफ का रोल प्ले कर रही है ऋषिता, मेरी बेटी हैं जन्नत, ये प्ले कर रही हैं, और मैं एक कोच हूँ जो अपने ज़माने में नेशनल लेवल का एक एथलीट था। उसको इस लड़के में एक टैलेंट नज़र आता है, और कैसे हम मिलकर इसके टैलेंट को निखारते हैं, कैसे ये पहले रिजिस्ट करता है कि भाई क्यों भागूँ, क्या भागने से क्या मिलेगा मेरे को, फिर कैसे एक्सेप्ट करता है कि यार मैं एक एथलीट हूँ और एक एथलीट बनने के लिए क्या करना पड़ता है और एक एथलीट होने का मतलब क्या होता है। तो एक तरह से कहानी एक एथलेटिक्स पे भी है, मगर एक जो अंडर प्रिविलेज कोई बच्चा है जिसे एक मौका मिलना, आजकल जब ओलंपिक्स का बड़ा शोर चल रहा है, तो उस जमाने में उस दौर में ऐसी कहानी आई थिंक काफ़ी रिलेवेंट है। हम एक्चुअली बेसिकली थोड़ा हमारा जो शेड्यूल में काम रह गया था वो कर रहे हैं, उसमें अलग अलग सीन्स हैं। एक तो सीन्स हैं मैं सिद्धार्थ की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, उसको मतलब एथलीट बनाने में उसकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। फिर दादा नेक्स्ट सीन इज़ हाँ, फिर जो अगला उसके बाद जो सीन हम करेंगे जिसमें एक लोकल कॉम्पिटिशन होता है जिसमें शिवा जीत जाता है, और उसमें लोग कैसे उस पर आपत्ति उठाते हैं कि भाई ये तो स्लम का लड़का है, ये तो कॉलोनी के लोग हैं उसमें नहीं है, नौकर है, और कैसे रिश्ता जो मेरी वाइफ करोड़ पे कर रही हैं वो कैसे खड़ी होती हैं, कैसे नहीं, नौकर नहीं, हमारे फैमिली के सदस्य ऐसा है, और वो सीन भी कर रहे हैं। जहाँ तक मेरा पर्सनल था, मैंने काफ़ी गूगल यूट्यूब में काफ़ी ऑब्जर्व किया था जो जो कोचेज होते हैं। वैसे भी अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो स्पोर्ट्स से आप ज़्यादा दूर नहीं रह सकते, या मतलब क्रिकेट हो या एथलेटिक्स हो या रेसलिंग हो, आजकल अगर सामने एथलीट नज़र आता है तो कहीं पीछे कोने में एक कोच भी नज़र आता है, अगर विराट कोहली बैटिंग कर रहा था तो अनिल कुंबले पीछे कहीं घूम रहा होता है। तो ये एक काम होता है एक्टर का कि ऑब्जर्वेशन उसकी कितनी अच्छी होती है, कितना ऑब्जर्व कर सकता है, उसके मैनरिज्म्स क्या हैं, कैसा वो देखता है, कैसे नहीं देखता है, और उसका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट किस हद तक रहता है। आप देखेंगे किसी भी हद तक जो कोच है वो अपने स्टूडेंट को या अपने एथलीट को ओवरशाइन कभी नहीं करेगा, वो पर्दे के पीछे रहता है। तो ऐसी ऐसी ऑब्जर्वेशंस की, और एथलेटिक्स के बारे में भी कि जो रेसिंग का तरीका कैसा होता है, हालांकि मुझे कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, ये खुद नेशनल लेवल एथलीट हैं, जिमनास्ट हैं, तो हाँ, तो ये सब काफ़ी ऑब्जर्व किया मैंने फिल्म करने से पहले। फर्स्ट तो मैं यही कहूँगा कि समीर सर और सुनंदर सर के साथ काम करने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज सब बहुत अच्छे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सब मुझसे बहुत सीनियर हैं एज वेल, और बीइंग नेशनल लेवल जिमनास्ट, सो मुझे पता है कि जो हमारे कोच होते हैं वो हमें कैसे ट्रेनिंग करते हैं। हम परफॉर्म करते हैं बट हमारे पीछे जो हमारा एक बेस होता है, हमारे पीछे जो हाथ होता है वो कोच का ही होता है। सो ज़्यादा मुझे डिटेलिंग में जाना नहीं पड़ा है स्पोर्ट्स के लिए, बट यस एक्टिंग में इस फिल्म में जो मेरा कैरेक्टर है उसके बहुत सारे फेजेस हैं। लाइक फर्स्ट मैं थोड़ा स्लम सोसाइटी में रहता हूँ, फिर थोड़ा उठता हूँ, फिर मतलब लाइक कहते हैं ना उस बच्चे के अंदर टैलेंट है, बट यू नो एवरी टैलेंट नीड्स अ प्लेटफॉर्म। सो बस ये फिल्म इसी बेस्ड है, सो एंड आई होप कि ये अच्छी जाए। धूम थ्री सी मैं जिमनास्ट हूँ, स्टंट्स मैं कर लेता हूँ ईजिली, बट जो एक्शंस मैं करता हूँ वो मैं हमेशा सोचता हूँ कि वो कुछ अलग हों, अच्छे हों, और इस फिल्म में भी उतने एक्शंस नहीं है, बट क्योंकि ये रनिंग पे बेस्ड है सो मेरा इसमें सिर्फ रनिंग्स दिखाए गए हैं, थोड़े बहुत एक्शंस हैं लाइक इधर से कूदना उधर से कूदना, और वो सब करने मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा भी आया। और धूम थ्री का भी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था, उसमें मैंने एक्शंस किया, उस पर भी मैंने बहुत कुछ सीखा, और इस फिल्म में सब कुछ सेम है। Just on a very true story that happened in Calcutta. So, and hence the inspiration for me. दिस फिल्म टॉक्स अबाउट अनटैप्ड टैलेंट्स ऑन द स्ट्रीट्स, जो कि मतलब बच्चों में होता है, इट्स नॉट ओनली स्पोर्ट्स, द अंडरलाइनिंग फैक्टर इज लाइक जो भी बच्चे स्लम में रहते हैं। कुछ दिन पहले आप देखिएगा एक फल वाला जो फ्रूट्स बेचते हैं ना,
ही इज अ ब्रिलियंट सिंगर, उसका एक वीडियो अभी इट्स बिकम वायरल. ओके, सो द फिल्म इज अबाउट देम, दे लिव ऑन द स्ट्रीट्स एंड एट टाइम्स वी गेट टू हियर वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स फ्रॉम सिंगर्स हु सिंग इन ट्रेन्स लाइक. तो उसी के ऊपर है, इट्स नॉट ओनली द स्पोर्ट्स फैक्टर दैट वी आर एम्फसाइजिंग ऑन, वी आर एम्फसाइजिंग ऑन कीपिंग एन आई ऑन दिस काइंड ऑफ टैलेंट्स कैन बी हैंड पिक्ड ट्रेंड गिवन अ प्लेटफॉर्म सो दैट दे कैन शाइन, दे कैन मेक नेम फॉर आर कंट्री. ओके, तो इधर हमने स्पोर्ट्स को जरिया बनाया है इंस्टेड ऑफ मेकिंग लाइक एनी अदर फील्ड. क्रिटिसिज्म तो 100% होना ही है बिकॉज क्रिटिक्स आर ऑलवेज देयर एंड ऑलवेज वेलकम, बट इट्स देयर इज अ फील गुड फैक्टर इन द फिल्म एंड आई थिंक एवरी अंडरप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन लाइक और लाइक पीपल हु सी दिस फिल्म हु आर सक्सेसफुल टुडे मे बी यस्टरडे हैड ग्रोन अप फ्रॉम अ स्क्रैच लेवल दे विल आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद दिस कैरेक्टर ऑफ शिवा. क्या प्लान है, कब तक रिलीज करना, क्या प्लान किया, कब रिलीज करेंगे क्या? Right now we are shooting the last part of the film. Tomorrow is the last day of the shoot, and probably we are hoping to release it in January. Do you want backstory from the government because this film is having sports related also? Will you show this to the state government or? We are planning to do that. In fact, to show it to the maybe to the sports authorities, maybe to the government, and sending it to the various festivals of. हाँ, जन्नत नज़र नहीं आ रही है, कहाँ जन्नत, बैठ दे रही हो, जन्नत आओ. मुझे और रिश्ता को आपने काफ़ी देख लिया, मगर मैं चाहता हूँ कि इन दोनों पे फोकस किया जाए क्योंकि मुझे लगता है ये जन्नत जी आइए बैठिए आप. जितनी हमारी कहानी है उतना रोल मतलब मैं एज अ कोच प्ले कर रहा हूँ, तो जन्नत मेरे बेटी होने के तौर पे भी कैसे शिवा या सिद्धार्थ को इनकरेज करती है, उसे मोटिवेट करती है. तो आई थिंक एक जो नयापन जो हम अभी तक बात नहीं कर रहे हैं इन दोनों का भी होगा. मैं बहुत ही खुश हूँ इन्होंने जो काम किया, दोनों इतने टैलेंटेड एक्टर्स हैं और इस उम्र में ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं, तो मतलब हमारी उम्र तक तो मतलब क्या करेंगे मालूम नहीं मेरे को. तो आप इन लोगों से बात कीजिए, जन्नत वी शुड टॉक बात. मेरा नाम है खुशी और उसको भी बहुत है बिकॉज ऑब्वियसली मेरे फादर एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो एथलीट रह चुके हैं, बहुत ही अच्छे लेवल पे एथलीट रह चुके हैं. उसको भी बहुत, उसने बचपन से बिकॉज देखा है स्पोर्ट्स, देखा है अपने घर में, तो उसको भी बहुत दिल है स्पोर्ट्स का. बट अनफॉर्चुनेटली उसको पोलियो है, तो उस वजह से ऑब्वियसली वो नहीं कर सकती है ये सारे स्पोर्ट्स. सो इसीलिए जब शिवा वो देखती है तो उसको दिखता है कि यू नो शिवा में अपनी परछाई टाइप देखती है, और वो देखती है कि फादर उससे बहुत हैप्पी है, तो इसलिए वो उसको इंकरेज करती है कि शायद इसके वजह से मेरे फादर को और खुशी मिले, और जो ख्वाब मैं अपने फादर का नहीं पूरा कर सकती हूँ वो शायद शिवा करेगा. तो पर्सनली मैं इस कैरेक्टर से रिलेट इस तरह से करती हूँ कि मुझे खुद को स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, जो कि खुशी को पसंद है, और टचवुड मुझे पोलियो नहीं है. तो हाँ, हमारी एज सेम है और नेचर वाइज हम काफ़ी सिमिलर हैं. वो भी बहुत यू नो ज़्यादा टॉकेटिव नहीं है, कम ओपन होती है, और किसी को इंकरेज करना हाँ वो भी है, और खुशी लाइक स्विमिंग एंड आई लव स्विमिंग. सो या इस तरह से हम रिलेट करते हैं. Obviously, it's been an amazing experience. We shot in Allahabad. It was amazing shooting with them, Hrishitaa Di, and then Samir Ji, and then Siddharth. Everybody, they're amazing. हमें बिल्कुल भी shoot जैसा feeling नहीं आया. हम बहुत you know picnic जैसा shoot कर रहे थे Allahabad में. It was like a picnic for 20 days in Allahabad. और हमने बहुत मस्ती करी है. और everybody was so familiar. Samir Ji और Hrishitaa Di को तो मैं set पे ही मिली थी. और तभी से हम लोग you know पहले हमारा मुहूर्त हुआ था, तब हम जब मिले से बोला एक ओ माय गॉड कितना मज़ा आने वाला है शूट में. एंड देन सिद्धार्थ को तो मैं बहुत पहले से जानती हूँ, तो ऑब्वियसली इसको तो मैं जानती थी. बाकी सबके साथ शूट करने में मुझे बहुत मज़ा आया, सब बहुत अच्छे हैं. कैसे मैनेज करते हो
How much you manage it, like schools, colleges, schools or because you do TV serials also, films also. Yeah, it's a very simple thing. My mom's manage everything. She manage my studies, my gymnastics, everything she manage. So utna mujhe takleef nahi hoti, utni problem nahi hoti hai. And bas main apna kaam karta hu, hard work karta hu aur acche se sab kuch mujhe lagta hai ki main jo bhi kaam kar raha hu acche se karu. School kab jaate ho? स्कूल में ऑनलाइन स्टडीज़ करता हूँ जब मैं शूट पे रहता हूँ. लाइक अभी मैं झलक दिखा जा कर रहा था तो वहाँ पे 18 आवर मतलब मुझे कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना पड़ता है बिकॉज हमारा जो एक्ट रहता है वो वन गो में रहता है एंड 2 मिनट्स हमें परफॉर्म करना रहता है लगातार. सो स्टडीज़ लाइक मेरे जो मेरे टीचर्स हैं वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं, मेरा जो स्कूल है मेरी बहुत हेल्प करता है, मुझे नोट्स भेजते हैं तो मैं उसे पढ़ता रहता हूँ. एटलीस्ट मैं 2 आवर्स तो निकालता हूँ पढ़ने के लिए. सी इन दिस टाइम हुआ क्या कि मैं एकदम नॉन डांसर, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी डांस नहीं किया इतने बड़े प्लेटफॉर्म में, झलक के इतने बड़े प्लेटफॉर्म में. एंड सलमान भैया, सलमान यूसुफ खान एंड शांतनु महेश्वरी जितने भी वहाँ पे लोग हैं, दे ऑल आर अ प्रोफेशनल डांसर, वो बहुत अच्छा डांस करते हैं. मैं बहुत कुछ उनसे सीखा भी. सो बट मैंने भी अपना बेस्ट ट्राई किया कि मेरी जो जिमनास्टिक्स है उसे मैं अपने डांस में डालूँ. बट कहीं ना कहीं शायद वो कभी कभार नहीं होता कि हम जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता है. बट स्टिल मैंने बहुत मेहनत करी थी, बहुत ट्राई किया और मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी और सबको मेरा डांस बहुत पसंद आया. मैंने आप लोग मैं कमेंट्स देखता हूँ तो सो जस्ट आई ट्राई माई बेस्ट कि मतलब जितना भी चल रहा है अच्छे से चले. और जो मेरे कॉम्पिटिटर थे लाइक सलमान भैया, शांतनु भैया, वही लोग थे मेरे कॉम्पिटिटर क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग थे सब एक तरह से बहुत अच्छे डांसर हैं. बट जो मेन कॉम्पिटिटर्स होते हैं ना वो सलमान भी हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छे कोरियोग्राफर हैं एंड शांतनु भी है, यू नो, वर्ल्ड क्लास ऑफ डांस. अभी तक तो मैं, सलमान भी, शांतनु एंड तेरिया मगर, शी इज़ द डीआईडी विनर, हम 4 लोग बचे हैं. अभी आएगा आगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले से ही. सो मुझे लगता है कि ये तो ऊपर वाला या फिर हमारी ऑडियंस डिसाइड करेगी कि कौन विनर बनता है. एक्चुअली मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मेरे को बच्चे लेकर फिल्म बनाना है. ये मेरा हिंदी में फर्स्ट फिल्म है, पहले मैं 5 बंगाली फिल्म बना चुका हूँ. तो बच्चों के लेके कुछ फिल्म बनाने के लिए मैं सोच रहा था. उतना मेरे डायरेक्टर साहब आए और स्टोरी फर्स्ट दिन सुनाया और फर्स्ट दिन ही मुझे पसंद आ गई. तो जैसे पसंद आई स्टोरी, जैसे बताते गए, हमारा दिमाग में 2 ही आर्टिस्ट का पहला ख्याल आया, जो जन्नत और सिद्धार्थ, क्योंकि ये दोनों मेरा बहुत फेवरेट एक्टर्स हैं. मैं उन लोगों को अब काफ़ी सीरियस देख चुका था तो काम करने का इच्छा था, तो मैं तुरंत हाँ कर दिया. और फिर आगे आगे पहला जन्नत और सिद्धार्थ का कास्टिंग हुआ, फिर धीरे धीरे आगे सबका कास्टिंग हुआ. फिर समीर जी और स्क्रिप्ट, फिर धीरे धीरे समीर जी, सब सतीश कौशिक, मुकेश ऋषि, अंजन श्रीवास्तव, मुश्ताक खान, धीरे धीरे सबका साथ में. हाँ, क्योंकि मैं जैसे स्टोरी सुना तो पहले मेरा चॉइस यही तो था सिद्धार्थ. फिल्म हम लोग ऑल ओवर इंडिया रिलीज करने वाले मिनिमम 800 स्क्रीन का हम लोग उम्मीद है. 800 स्क्रीन का हम लोग देखिए मार्केट. हाँ, एक बार हम फिल्म को कंप्लीट करना चाह रहे हैं कि फिल्म को कंप्लीट अभी आज कल तक शूट होगा तो कंप्लीट हो जाएगी. एक बार फिल्म कंप्लीट हो जाए तो फिर मार्केटिंग लेके बैठेंगे, क्योंकि अभी ये हमारा फर्स्ट फिल्म है तो प्री प्लानिंग के हिसाब से मार्केटिंग अभी तक हम लोग नहीं की है. इसके बाद हम लोग मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर है. हालांकि हमारा डबिंग वर्किंग कंप्लीट हो चुका है, 2-3 जगह बाकी आ रही है, थोड़ा पैच वर्क था वो सब शूट कर लिया. नहीं, ये खाली स्पोर्ट्स की फिल्म नहीं है. ये फर्स्ट हाफ तक का तो एक स्लम का जो बच्चे लोग का स्ट्रगल है वो दिखाया गया है. फिर उस स्ट्रगल को जो एक कोच के नज़र पड़ी है और फिर वो कोच उस स्लम बॉय को लेके कैसा डेवलप करके आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारा स्लम में इतनी टैलेंट है लेकिन कोई नज़र में नहीं आता है. जैसा एक उदाहरण के तौर पे बताओ मेरे को, जैसा रोप लगाते, जो रोप लगा के रस्सी के ऊपर चलते उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, तमाशा. लेकिन यही अगर फॉरेन में चले जाए तो इसको एथलेटिक्स बोला जाता है. तो इस टैलेंट को पहचान के अगर उसको सही ढंग से ही कर पाएंगे तो ही उसको आगे बढ़े. बस उसके लिए ये फिल्म को मैंने साइन किया. हाँ, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है. ये सब हर एक बच्चे इस्लाम का, एक 6-7 बच्चे हैं जिसका स्टोरी है. फिर उसमें से सिद्धार्थ भी एक बच्चे हैं. फिर वो कैसे, उसको कोई हाथ पकड़ने वाला मिल गया और वो कैसे आगे बढ़ गया, फिर धीरे धीरे बाकी लोग भी कैसे आगे बढ़ गया, पूरा स्टोरी इसका ऊपर ही है. बजट तो ओवर नहीं हुआ ना सर? बजट बरोबर
नहीं बजट पर जब अभी तक तो बजट का सही कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत तो आगे पीछे होता ही है, उसमें कोई इश्यूज नहीं है कि इतना बड़ी होगी ऐसा कुछ। कितनी बजट की फिल्म है ये? अभी तक तो हमारे को 475 का।